जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी पावर्ड बाय RS एजुकेशन। हम लोग आज GS का एक टॉपिक लेंगे जो कि अभी कृषि संशोधन हुआ था, फार्मर्स बिल, जो अभी जुलाई 2020 में अध्यादेश के रूप में सरकार द्वारा लाया गया था। क्या कारण थे जिस वजह से फार्मर्स इतना ज़्यादा उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या थे वो तीन विधेयक लाए हैं सरकार, तीनों को अपन समझेंगे वन बाय वन कि क्या है वो विधेयक और उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से किसानों का इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीज़न थे, क्या उसमें कमी थी, क्या सरकार ने बिल में अच्छा किया और क्या बुरा किया, दोनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आए चालू करते हैं। ओके, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे कृषि संशोधन विधेयक जो अभी नया पारित हुआ है। अब उसमें सबसे पहला जो अध्यादेश, देखो सबसे पहले तो संशोधन जुलाई में आया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जुलाई 2020 में 2020 अध्यादेश के रूप में लाया गया। इसे अध्यादेश आप जानते हो अनुसूची 123 के अंदर आती है संविधान के अंदर, ठीक है, अध्यादेश के रूप में इसे लाया गया था। तो तीन जो आए हैं उसमें से पहला जो नियम है वो अपन समझेंगे, पहला जो अध्यादेश है उसे हम समझेंगे कि पहला क्या कहता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी कि भंडारण नियम। अब देखो भंडारण नियम क्या है, आप इसको ध्यान से समझ लो। जो भंडारण नियम में क्या होता है कि जैसे मान लो आप लोग मार्केट में गए, आप है डीलर जो कि उस एरिए में, उस जैसे मान लो आप हो सरसों के तेल के डीलर, ठीक है, आप उस एरिया में गए, उस एरिया में सभी दुकानदारों को आप ही होलसेल में सरसों का तेल देते हो। मान लो कि वो उस टाइम पे सरसों के तेल की कीमत 100 रुपये लीटर है, ठीक है, तो भैया वो डीलर क्या सोचेगा, नहीं अभी तो बहुत सस्ता है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो क्या कर लेगा, उस चीज़ का अपने गोडाउन में भंडारण कर लेगा। भंडारण करने के बाद वो क्या करेगा कि जैसे ही उसकी रेट 130, 40 या 50, 150 रुपया हुई, तुरंत बोल देगा कि नहीं अब वो उसे बेचेगा वो दुकानदारों को, और वो दुकानदार हमें और दाम में भेजेंगे। मतलब हम तो डूबे ही डूबे, साथ में हर चीज़ का नुकसान हो रहा है इसके अंदर, लेकिन सरकार ने बोला है कि आप सिर्फ युद्ध और आपदा में ही भंडारण नहीं कर सकते। अब देखो इसमें सरकार ने एक और नई चीज़ क्या लाई है कि इसमें पहले सिर्फ व्यापारी लोग ही कर सकते थे, अब क्या है कि किसान भी भंडारण कर सकता है। किसान है जैसे आलू बोए, रख लो अपने पास में 20 रुपये किलो है, जब 30 रुपये किलो हो जाए तब बेच दो। अब आप मुझे एक बात सीधी बताएं, अगर कोई किसान भाई अपना देख रहा है इस वीडियो को, तो किसान के घर में व्यापारी जितना भंडारण करने की जगह होती है क्या, किसान के पास बड़े बड़े गोडाउन होते हैं क्या, आप एक बात बताओ। दूसरी बात कि जैसे किसान के पास खुद का सोने का एक कमरा और एक किचन उसके घर में मिलता है, कहाँ वो इतनी चीज़ें भंडारण करेगा, तो ये तो सीधा कालाबाजारी दे दी गई है व्यापारी को, बिना बोल के, बोला नहीं है कि कालाबाजारी करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है आप मुझे बताइए। मैं तो इस चीज़ से यही समझता हूँ, भंडारण क्षमता, देखो 1955 के टाइम पे ये जो भंडारण था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो उसे हटाने के लिए 1955 में भंडारण क्षमता हटा दी गई थी। अब पता नहीं इसे क्यों लागू किया है वापस 2020 में, इसका तो सरकार ही जाने, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती है कुल मिला के। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये बिल का पहला अध्यादेश कैसा लगा। देखो इसके अंदर मेन पॉइंट्स जो है वो मैंने नोट किए जो कि आपको समझने जरूरी है। सबसे पहले आवश्यकता वस्तु है, जैसे आवश्यकता वस्तुओं में जैसे क्या होता है, नमक होती है, आलू होता है, तेल, गेहूं होता है, इन सब का भंडारण कर सकते हो, किसान भी कर सकता है, प्लस जो व्यापार जो डीलर होता है उस एरिया का वो भी कर सकता है अपने गोडाउन में, ठीक है। अब 1955 में इसे हटा दिया गया था और 2020 में इसे वापस से पारित किया गया है, ठीक है। अब देखो जो गोडाउन का डीलर है वो भंडारण करता है, अब प्राइस बढ़ने के बाद वो व्यापारी को देता है, तो ये तो हुई कालाबाजारी, सीधी सी बात है। तीसरी बात क्या है इसके अंदर कि इस नियम के तहत अब किसान भी भंडारण कर सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है, तो वो किसान का भंडारण कर सकते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि डीलर जो होते हैं उतना तो किसान भंडारण कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, कितना करेगा, छोटे थोड़ा बहुत भंडारण करने से कोई फायदा है ना, तो डीलर का होता है ना ही किसान का होता है। भंडारण कब, जब गोडाउन के गोडाउन भर कर किया जाता है, उसमें फायदा होता है, तो किसान तो ये कर नहीं सकता, ये तो साफ साफ बोल दिया है।
ठीक है। अब केवल युद्ध और आपदा के समय, चौथी बात क्या है, केवल युद्ध और आपदा के समय आप लोग भंडारण नहीं कर सकते, ठीक है। व्यापारी से ज़्यादा किसान भंडारण नहीं कर सकता, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखो मान लो कि हम लोग गए, जैसे मैं हूँ रिटेलर, मेरा चलता है कोई एक दुकान जहाँ पर मैं राशन बेचता हूँ, तो मैं गया गोडाउन वाले के पास में, मैंने उसको बोला कि भैया मुझे गेहूँ इतने चाहिए, उसने बोल दिया कि अभी तो नहीं है, और मुझे पता चली कि उसके गोडाउन में तो बहुत सारे पड़े हैं और ये सारा दे क्यों नहीं रहा है। तो फिर जैसे ही मैं कंप्लेन करी पुलिस की, तो पुलिस की कंप्लेन करने के बाद में जैसे ही पुलिस वहाँ जाएगी तो पुलिस उसको पूछेगी, तो पुलिस को ये क्या कह देंगे गोडाउन वाले, अरे अभी तो जुलाई में विधेयक पास हुआ था कि आप तो वस्तुओं का भंडारण कर सकते, अभी कोई युद्ध चल रहा है क्या, अभी कोई आपदा चल रही है क्या, तो ऐसे करके ये लोग तो छूट पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये चीज़ तो गलत ही है, उसका तो हमें भी नुकसान है, कुल मिला के महंगाई और बढ़ जाएगी। अब सुनिए कि इस चीज़ को अध्यादेश में लाया गया, अध्यादेश में लाया गया इस बिल को, केवल इमरजेंसी, अध्यादेश हमेशा इमरजेंसी के टाइम पर ही लाया जाता है। अभी पता नहीं कौन सी इमरजेंसी थी जुलाई में, मुझे तो नहीं पता, इसको इमरजेंसी नहीं कहते हैं, है लेकिन इतनी कोई इमरजेंसी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ आगे कभी तो ख़त्म होनी है, तो अभी ये बिल लाने की ज़रूरत थी ही नहीं पहली बात, और वो भी अध्यादेश में लाने की ज़रूरत तो थी नहीं, ठीक है। अब 1955 में यह बहुत ज़्यादा होता था, इस वजह से इस नियम को हटा दिया गया था, और अब भी 2020 में इसे वापस लाया गया है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन इसके बाद सेकंड समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, प्राइस बिफोर फार्मिंग जो सेकंड रूल है वो बहुत अच्छा है, उसे आप समझिएगा। ये बुल आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हम लोग सेकंड पे जाते हैं कि सेकंड अध्यादेश क्या कहता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड अध्यादेश को समझने के लिए। तो सेकंड अध्यादेश हमारा क्या कहता है, सेकंड अध्यादेश हमारा ये कहता है कि मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। ये अच्छी चीज़ है, सुनना मेरी बात को, ये बहुत अच्छा बिल है। इसमें क्या होगा कि मतलब ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और प्राइस बिफोर फार्मिंग है। मतलब प्राइस बिफोर फार्मिंग इसलिए आप क्या समझते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है, जैसे पीनट्स की कोई कंपनी है जो पीनट बटर बनाती है, तो वो पीनट्स उगाने के लिए उसको पीनट्स की ज़रूरत होती है। जैसे आलू की मतलब चिप्स की कंपनी, उसे कई लाखों टन आलू चाहिए होता है, बिस्किट वाले को कई लाखों टन गेहूँ चाहिए होता है, तो वो कंपनियां क्या करती है कि जैसे एक चिप्स की कंपनी है, जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक चिप्स की कंपनी ले लेते हैं, वो एक गांव में गई, सुनना मेरी बात सुनना, उस गांव में इस पूरे गांव के जितने खेत है उस पूरे गांव के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आपको सिर्फ आलू ही उगाना है। तो किसान भाई बोलते हैं कि क्यों भाई, तो हम लोग आपको उसका पैसा देंगे, हमारी चिप्स की कंपनी है तो हम लोग उसको उसके लिए आलू की हमें सख्त ज़रूरत है, तो आप लोग सब मिलके आलू उगाए और प्राइस आप लोग फिक्स कर दीजिए बोने से ही पहले। अब किसान की इसमें दिक्कत क्या होती है कि किसान जब गेहूं बोता है तब 25 रुपये किलो हुआ, मान लीजिए थे कि गेहूं जब किसान बोने गया तब 25 रुपये किलो हो गया, और जब कटाई का टाइम आता है, जब कटाई का टाइम आता है तब 16 रुपये किलो हो जाता है, तो इससे तो किसान को नुकसान होता है, कभी कभी इसमें किसान को नुकसान हो जाता है, ठीक है, कि भाई जब बोने गए थे तब था 25 और बेचने गए हैं तब 16, तो उसको किसान को तो नुकसान ही है इस चीज़ में। तो इस चीज़ से उभरने के लिए इस अध्यादेश में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे अब किसानों को बोला कि तुम लोग प्राइस फिक्स कर लो कंपनी वालों ने, तो किसानों के पास में कंपनी गई थी, किसानों ने बोला कि भाई 30 रुपये किलो हम आलू बेचेंगे, पहले से ही वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि 30 रुपये किलो उनको आलू चाहिए, ठीक है, ठीक है, उनके पूरा एग्रीमेंट कर लेती है। इस पूरा गांव है, इस पूरे गांव में सभी खेत इन्होंने ले लिए, इन सभी किसानों से ये लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट करवा लेंगे कि 4 महीने बाद हम लोग आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये तो चीज़ अच्छी है कि पहले ही प्राइस फिक्स कर, अब मंडी में क्या होगा कि मंडी जो है, मान लो कि 4 महीने बाद जब कटाई करने गए तब 20 रुपये किलो आलू मंडी में मिल रहे हैं, तो किसान तो वहाँ मंडी में जाएगा नहीं, क्योंकि उसने तो 30 रुपये में फिक्स कर रखा है, तो किसान को तो इसमें फ़ायदा है, ठीक है, ये तो हो गया इसका एडवांटेज। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि मान लो मंडी का रेट हुआ 35 रुपये किलो और किसान ने 30 रुपये किलो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर चुका है, तो इसका क्या रूल है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हो इस अध्यादेश के तहत, तो आप अपनी
जो कृषि है उसको आप नहीं बेच सकते मंडी के अंदर, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने तो हमारे साथ में एग्रीमेंट किया है। अब हमें क्या पता वो 30 रुपए की जगह 20 होता तो आप तो खुशी मनाते, अब 30 की जगह 35 हो गया तो आपको दुख हो रहा है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही आपने ही फिक्स करा, मतलब किसानों ने ही फिक्स करी है। तो इसमें मैं समझता हूँ ये बिल बहुत अच्छा है, बस एक एडवांटेज, एक इसमें डिसएडवांटेज है कि मंडी का मूल्य क्या हो सकता है। तो ये हो गया इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम समझते हैं इसमें होता क्या। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों, मैंने बताया अनुबंध कृषि के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध कृषि के थ्रू वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आलू जैसे चिप्स की कंपनी है, गेहूं जैसे बिस्किट की कंपनी है, उसी का आप लिख सकते हैं। सेकंड आप क्या समझेंगे, तो कंपनी पूरा गांव के साथ में डील करती है और फिक्स कर लेती है एक मूल्य को, जो कि किसान ही बताएंगे उन्हें कि हम इतने ही मूल्य पर बेचेंगे, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट के रूप में कर देंगे, तो ये इनका एग्रीमेंट है। अब एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार बोलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आप अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा अगर मंडी में प्राइस है तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह मंडी में भी भेज सकते हैं। यही फर्क है इसमें और उसमें, और इसी चीज़ की मांग किसान भाई कर रहे हैं कि एमएसपी हट जाएगा, जबकि मोदी सरकार ने बोला कि एमएसपी नहीं हटेगा। फिर भी ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वो इससे अलग है। जो तीसरा है उसी में सबसे बड़ा बवाल है, इसलिए आप पहले इसको समझे। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी गांव के साथ में पूरी डील कर लेती है। डील करने के बाद में अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया कि मंडी के मूल्य कम होने पर कंपनी एग्रीमेंट के तहत ही उनका मूल्य दिया जाएगा। अब सुनो, इसमें एक और एडवांटेज ये है कि आपकी जैसे फसल बर्बाद हो गई तो बची हुई फसल के ऊपर जो मूल्य आपका लगा हुआ था एग्रीमेंट के अंदर उसी के ऊपर कंपनी खरीदेगी, तो ये तो अच्छी बात भी है। अब समझते हैं हम लोग कि ये जो चीज थी, अगर मंडी में मूल्य ज्यादा हुआ तो किसान उस मूल्य पे नहीं बेच सकते जो मंडी का मूल्य, जो उन्होंने एग्रीमेंट करेगा उसी मूल्य पे उन्हें बेचना पड़ेगा। ये चीज इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है। अब इसमें क्या सीन है, देखो इसमें यूं होता है कि पहले ये जो सरकार बोल रही है कि हम लोग लाए हैं ऐसा नहीं है, ये 2012 में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी लेकिन ये बहुत ही कम स्तर पर हुआ करती थी उस टाइम पे। तो अब क्या हो गया कि जब इस चीज को अध्यादेश में ला दिया गया है तो अब ये बड़े पैमाने पर होगी, तो ये अच्छी बात भी है। इसमें खराब नहीं है कुछ भी कि अपनी मूल्य आप पहले ही डिसाइड कर लो। चाहे अब उस टाइम पे मान लो आपने 25 रुपए किलो में गेहूं लेकर बोए और उस 25 रुपए किलो के हिसाब से आपने बोए, ठीक है, और आप उसका 30 रुपए मूल्य करते हैं और मान लो मंडी में उस चीज 20 रुपए की हो जाती है तो आपको तो फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज और क्या थी, अगर मान लो कंपनी का हो जाए दिवाला निकल जाए पूरी तरह से और कंपनी आकर इनसे बोल दे कि हम लोग आपसे आलू नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे कंपनी डूब गई, हमारे पास में पैसा नहीं है, तब क्या होगा? तो तब सरकार ने ऐसा कहा है कि अगर ऐसी स्थिति आए कि कंपनी डूब जाए, अगर वो आपसे नहीं खरीद रही है, अगर वो अगर मनमानी कर रही है कि जैसे उसने बोला 25 में खरीदेंगे और बोल रही है कि 20 में ही खरीदेंगे, ऐसी कोई मनमानी हो रही है तो आप ये चीज मंडी में बेचेंगे डायरेक्ट जाकर, तो ये चीज़ आप डायरेक्ट जाके मंडी में बेचेंगे। तो बस बात यहीं ख़त्म हो गई, वापस से वही चीज़ आ गई जो पहले वाले अध्यादेश में मैंने आपको समझाया था। अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है और अगर वो नहीं खरीद पाती है तो आप मंडी में ही जाओगे इसे लेकर, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो सेकेंड अध्यादेश है वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब जबकि अध्यादेश है तो ये बड़े पैमाने पर होगा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है कि कंपनी अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैंने वहाँ पर नोट के हिसाब से लिखा है कि गांव के मुखिया के साथ ही एग्रीमेंट करना चाहिए, जो प्रधान वगैरह होते हैं उनके साथ में, क्यों? और इनके साथ में किसानों के साथ किए मतलब नहीं, उनकी जगह उनसे करना चाहिए, ऐसा क्यों? अब देखो स्थिति क्या बनती है कि जब अगर ऐसा होगा कि कंपनी उनसे मनमानी करेगी, भैया 25 रुपये हमने एग्रीमेंट में लिखा और आप हमको 20 में ही दे दो क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है, तब क्या होगा कि कंपनी का तब गांव का मुखिया उनसे लड़ सकता है ना, पूरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू उनसे वो लड़ सकता है। तो उस टाइम पे अगर गांव का साथ नहीं देता है प्रधान और कंपनी का साथ देता है तो गांव के लोग उसे अगली बार वोट नहीं देंगे, इसीलिए जो गांव का प्रधान होता है वो तो वोटर्स का ही सुनता है। अगर इसमें ये चीज़ होती कि प्रधान को दे दिया जाए तो ये तो और बहुत ही अच्छा हो जाता, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर जो बेसिक पॉइंट्स है जो आपके समझने के लायक है वो मैंने लिख दिए हैं, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग उसके बाद में तीसरे अध्यादेश पे जो कि इम्पोर्टेंट है और सारा बवाल उसी को लेकर है मार्केट में, ठीक है। तो चलिए अपन इसको इसके बाद में तीसरा समझेंगे, इतर लीजिए इसको फटाफट, चलिए फटाफट। चलिए अब हम समझते हैं
तीसरा जो बिल है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और सबसे ज़्यादा जो बवाल हुआ था वो भी इसी बिल के ऊपर हुआ था। तो क्या है तीसरा, तीसरे में क्या होता है कि कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, ये तीसरा अध्यादेश है। अब इसमें क्या चीज़ है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसके तहत जो किसान होता है वो मंडी के अलावा अपना जो फसल है वो कहीं पर भी बेच सकता है। अरे भाई, जब ऐसा, ये देखो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मैं नहीं बोल रहा इस बारे में कि MSP जो मंडी होती है उसके अंदर केवल 6% ही किसान बेचने जाते हैं, बाकी 94% किसान तो बाहर ही बेच रहे हैं। पता नहीं इसे अध्यादेश में क्यों लाया गया है, जबकि पहले से ही 6% ही लोग खाली बेच रहे हैं पूरे भारत में, और बाकी के 94% तो बाहर ही बेच रहे, तो इसमें क्यों ये चीज़ लाई गई कि बाहर बेच भी सकते। ये चीज़ है कि बाहर भेजने में आप सहूलियत मिल जाएगी इस अध्यादेश के बाद, तो इसके लिए विधेयक लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी कुल मिला के। अब किसान का क्या है, किसान जैसे मान लो कोई चीज़ बोता है, अब उसे क्या हो, अब वो लोग किसान जो होता है वो कहीं भी बेच सकता है। मैं आपको समझाऊँ, देखो सबसे पहले किसान को अब ऑल इंडिया परमिट हो गई है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है मंडी में भी बेच सकता है। मंडी क्या होती है कि मंडी के अंदर जो होते हैं वो अड़ती होते हैं, अड़ती यानी जो बिचौलिए, बिचौलिए जिसे हम कहते हैं, जो वहाँ पर बैठते हैं और किसान की फसल को खरीदते हैं, मुझे उस पर बोली लगाते हैं कि वो मतलब उसको इस रेट में वो खरीदेंगे। अब ये लोग क्या होता है कि किसान की फसल पर देखो बोली लगाते हैं ये अड़ती लोग, मंडी के अंदर जो बैठते हैं 50-60 के आसपास ये लोग होते हैं उसमें। अब उसमें क्या होता है, किसान अपनी फसल खुद बेच, सीधी सी बात है, देखो किसान के पास में अगर उसने टमाटर उगाया है तो उसके पास में ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन में उसे बेचना है, वरना सड़कें ख़राब हो जाएगा एक ट्रैक्टर भर के। अब किसान के पास में तो जगह ही नहीं है बेचने की, है ना, कहीं चौराहे पर जाके बैठ गया, मतलब वो 3-4 दिन में नहीं बेच सकेगा, और अगर वो बेचने जाए तो फिर वो उसकी दूसरी फसल कब उगाएगा, सबसे बड़ी ये दिक्कत। तो किसान क्या सोचता है मंडी में कि उसे एक ऐसा किराएदार मिल जाए उसकी फसल खरीद कर और एक घंटे में उसे बिचवा दे, एक घंटे में उसकी फसल पूरी बिक जाए। तो किसान ये चाहता है कि उसे एक ऐसा किराएदार मिल गया, हम लोग सब ऐसे ही सोचते हैं। तो वो क्या करता है कि अड़ती के पास जाता है और अपनी फसल बेच देता है, अड़ती उसे जो मार्केट रेट है उससे कम में खरीदता है। हालांकि ऐसा अड़ती का कहना है कि वो सिर्फ 2.5% कम में खरीदता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, वो उसे बहुत ही कम रेट में खरीदता है, जिससे किसान को नुकसान है और किसान का वहां पर भी शोषण हो रहा है कुल मिला के। तो क्या हो गया, वो फसल बेचने के लिए मार्केट रेट से कम में खरीदता है। उसके बाद क्या, किसान को लग रहा है कि उसका, अब मेन कारण क्या है कि किसान को ऐसा लग रहा है कि उसका MSP चेंज, अब ये MSP होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये उसको कम रेट में बेचना ही नहीं पड़ेगा, MRP आप लोग समझते ही हो। अब इसमें सीन क्या क्रिएट होते हैं कि अब देखो कि जैसे जब किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनका MSP छीन जाएगा, जबकि मोदी जी ने आके बोला है कि उनका MSP नहीं छीनेगा, लेकिन किसान को ऐसा लग रहा है कि उनका MSP छीन जाएगा। अब MSP क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझे, MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बताया था कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा फसल बोने से पहले ही उस फसल का मूल्य फिक्स कर दिया जाता है प्रति किलो, वही अगर चीज ये MSP के अंदर है। अब सुनना, अगर उस चीज को प्राइवेट कंपनी एग्रीमेंट करती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, और अगर यही चीज न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राइवेट कंपनियों की जगह अगर ये गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है तो वो MSP कहलाता है गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 25 रुपये किलो गेहूं है, बस उससे नीचे आप नहीं खरीद सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है कि MSP है, ठीक है। अब उसको MSP किसके, MSP को लागू कौन करता है, MSP के अंदर जो रेट है उसको लागू कौन करता है, किसके अंडर में, तो वो FCI के अंदर में काम करती है। FCI क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो इस MSP के अंडर काम करता है और यही लागू करता है। अब मंडी के जो APMC होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहते हैं APMC को हम लोग, तो इसके अंदर सारे वो मार्केटिंग होती है मंडी के अंदर, बिचौलिए बैठते हैं जो ये बेचते हैं वगैरह खरीदते हैं। अब किसान की मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका MSP छीन जाएगा, तो MSP नहीं छीने, यही चीज़ उन्हें सरकार भी बोल रही है। अब सरकार की भी मंशा को समझना जरूरी है हमें, सरकार भी इस चीज़ में गलत नहीं है। सरकार खरीदती है 25 रुपये किलो गेहूँ और उसे राशन कार्ड पे 2 रुपये किलो बेच देती है, तो सरकार पे तो ये इकोनॉमी पे तो ये बहुत बड़ा बोझ ही है कुल मिला के देखा जाए तो। इसे सरकार का भी देखना कि इसमें गलत नहीं है, MSP के अंदर जो चीज़ वो फिक्स कर रही है उसमें वो उसको सस्ते में दे, तो सरकार का भी इसमें कोई दोष नहीं कह सकते, लेकिन दोनों तरफ से इसमें सुधार किए जा सकते हैं और भी, जो कि होने भी चाहिए।
सारा बवाल इसी को लेकर, अध्यादेश को लेकर। अब हम लोग क्या समझेंगे, ये तो चलो हो गए तीन अध्यादेश, अब मेन किसानों के आंदोलन करने का कारण क्या है, तो वही अब उसका मेन कारण हम लोग अभी जानेंगे इसके बाद। जैसे तीन अध्यादेश हो गए, अब अपन इसके बाद इसका मेन कारण पढ़ेंगे, वो मेन कारण क्या होगा वो अपन इसके बाद लेंगे। फटाफट इसको कर दीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको मेन जो इसके लिखूंगा हेडिंग, जो मेन कारण थे और क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, ये सभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। फटाफट से इसको लिख लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब हम मेनली समझते हैं कि किसान हमारे आंदोलन कर क्यों रहा है, क्या कारण है, वो इतना आंदोलन क्यों कर रहा है, भैया क्यों जा रहा है कोरोना की ऐसी महामारी के टाइम भी। तो उसका क्या कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, प्राइवेट कंपनियों को घुसाना चाह रही है, जिससे कि सरकार का काम खत्म हो जाए, लगभग MSP वाला सीन खत्म हो जाए। लेकिन अब MSP पर किसान फ्री है, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अगर MSP मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 25 रुपये किलो है अपनी गेहूँ और मंडी में हो गया 30 रुपये किलो गेहूँ, तो उस टाइम पे किसान फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पर आपको 30 मिल रहा तो आप MSP पर FCI गोदाउन में मत बेचिए, जाके मंडी में बेचिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मेन कारण था इनका किसानों का आंदोलन करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि MSP में किसान जो होता है वो FCI के अलावा मंडी में भी बेच सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब किसान FCI गोदाम में जाता है, सुनना, सबसे बड़ा स्कैम कहाँ पर हो रहा है, ये लोग MSP पर सिर्फ 6% ही किसान क्यों बेच पाते हैं और बाकी जगह 94% किसान क्यों बेच रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो किसान है वो अपना अनाज लेकर FCI गोदाम में जाता है, ठीक है, MSP के ऊपर खरीदने के लिए FCI गोडाउन में जाता, तो FCI गोडाउन के अंदर जो वहाँ जो अधिकारी बैठता है सरकारी, वो कह देता है कि हमारे गोडाउन में तो भैया जगह नहीं है, बोरे वगैरह नहीं है, खाली नहीं है, आप ले जाइए। तो मजबूरी में किसान को मंडी में बेचना पड़ता है, तो इसीलिए सिर्फ 6% ही किसान होते हैं जो बेच पाते हैं, बाकी सब तो मंडी में ही बेचते हैं क्योंकि वो अधिकारी उनको बेचने नहीं देता। अब सुनो कालाबाजारी कैसे होती, तो होता क्या है कि जब मंडी में मतलब अधिकारी के उससे 25 रुपये में नहीं बेचा, मंडी में उसने मजबूरी में 12 रुपये किलो बेच दिया, प्रति किलो के हिसाब से अपना अनाज बेच दिया, ठीक है। अब तुरंत ही अधिकारी दौड़कर जाता है मंडी पे, मंडी में जाकर बोलता है कि किसान आया था कितने में बेचा, 12 रुपये, हम तुमको 14 रुपये प्रति किलो पे देते हैं, मंडी से खरीद के लिया था गोडाउन में, गोडाउन के अंदर ला कर सरकारी खाते में लिख देता है कि 25 रुपये के हिसाब से किसान दे गया है FCI के अंदर। तो बैठे बैठे उसको तो कालाबाजारी मिल गया पूरा, उसने जब मान लो 15 में भी खरीदिया तो 10 रुपये प्रति किलो के ऊपर उसका और कालाबाजारी उसके जेब में आ गया, किसान 10 रुपये प्रति किलो नहीं कमाता और वो बैठे बैठे 10 रुपये प्रति किलो कमा जाता है, तो ये तो हो गई कालाबाजारी। इसी चक्कर की वजह से MSP पे लोग सिर्फ 6% ही किसान बेच पाते हैं और 94% बार बेच, क्योंकि MSP के अधिकारी दौड़ा दौड़ा के किसान को इतना परेशान कर देते कि वो MSP पर बेच ही नहीं पाता है, तो फिर MSP का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसका मेन कारण किसानों का सबसे बड़ा ये भी है आंदोलन करने का, ठीक है। अब किसान क्या है कि और किसानों में क्या होता है, देखो सरकार की भी बात सही है, मैंने आपको बताया ही था कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जब वो खरीदती है उसे राशन कार्ड पे 2 रुपये में बेचती है, तो जो सरकार के अंदर सांता कमेटी है, किसान कहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है कि सरकार के अंदर जो सांता कमेटी है उसने उसका कहना है कि MSP जो है वो इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बर्डन है, उसे हटाना चाहिए, मतलब ये जो बीच का ये जो मामला है इसको ठीक करने की जरूरत है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। अब देश को किसानों मतलब सुनो MSP को वो सांता कमेटी हटाना चाहती है, मतलब वो कहते हैं कि इकोनॉमी पे एक बर्डन है, और मोदी जी कहते हैं कि MSP हटना नहीं चाहिए, इसीलिए कन्फ्यूज़न है कि MSP हटेगा या रहेगा, और रहता है तो क्या उनको ये FCI वाले बेचने भी देंगे, क्या ये कालाबाजारी रुक सकती है, मेन कारण, ठीक है। इतने तो ये इनके कारण ही थे। अब सबसे बड़ी बात, शुरुआत से लेकर आज तक किसानों का हमेशा शोषण ही हुआ है भाई, क्यों, क्योंकि जब आप समझिए कि किसान की अगर उस समय वो 1 रुपया कमाता था तो आज वो 6 रुपया कमा रहा है, देखा जाए किसान की आय सिर्फ 21% बढ़ी है और बाकी सारे सरकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं माफ़ करना उनकी आय 200% बढ़ी है। तो इसीलिए कहते हैं ना किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, 200% काट दो सरकारी और उनको भी 21% पे ले आओ, देख लेना आपकी सैलरी 9,000 हो जाएगी जो आज 1,00,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। ये बात हकीकत है और बहुत हकीकत वास्तव एक बात है, अगर ये चीज़ हो जाए ना तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखना।
ठीक है, तो किसानों के साथ तो शोषण ही हो रहा है। अब आप समझिए कि हरियाणा में क्या हुआ था, जब हरियाणा के अंदर एक बार उस टाइम पे जब सरकार थी तो एमएसपी पे सरकार ने फिक्स किया था 18.5 रुपये मक्का बिकेगा, तो भी वहाँ पर मक्का 6 रुपया किलो गया था एमएसपी पर 18.5 रुपये होते हुए भी, क्योंकि एफसीआई गोडाउन वाले तो मानते नहीं हैं, तो फिर उस वजह से 6 रुपये किलो उनका वो बिका। उस चीज़ के लिए आप खुद समझे, 1955 का आंकड़ा उठा के देख लिए, उस टाइम भी मक्का 6 रुपये किलो था, तो आज भी मक्का 6 रुपये किलो। उस टाइम पे अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी होगी वो क्या आज आपको, अरे यार आपने 2000 सन में भी अगर कोई फ्रिज खरीदा होगा, अगर 10,000 में वो फ्रिज खरीदा होगा तो वो उस फ्रिज की कीमत आज 24,000 रुपये है, तो क्या किसानों को वो 6 का 18 रुपया नहीं मिलना चाहिए? ये तो गलत बात है। तो इस चीज़ के लेकर भी किसानों में बहुत बड़ा है, तो कहीं ऐसे कारण है जिस वजह से इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। कहीं मामले में सरकार भी सही है और कहीं मामले में किसान भी सही है। अब ये तो डिसाइड सरकार ही करेगी कि आगे क्या होना चाहिए। आई होप आप ये लोग सब समझ गए होंगे क्या क्या अध्यादेश थे, क्या कारण था किसानों के इतना ज़्यादा आंदोलन करने का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप इसे बिल्कुल समझिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी दिक्कत है इसके अंदर तो। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। फटाफट से इसको देख लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए।